हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ मस्तान सिंह. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ क्लास फोर्थ. जैसे कि आपको 1.1 का होमवर्क भेज दिया गया था, वो आपने उम्मीद है कर लिया होगा. सो अपने आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2. फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट. इसका फर्स्ट पार्ट है 78306. क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर? राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट. प्लेस वैल्यू लिखनी है कि उसकी जगह क्या है, क्या पोजीशन है, किसकी ईच डिजिट, प्रत्येक डिजिट की लिखनी है. ये नहीं कि अपने को कोई पर्टिकुलर डिजिट है, प्रत्येक डिजिट की लिखनी है. तो प्रत्येक डिजिट कैसे लिखेंगे? अपने लिख देंगे स्टार्टिंग में, जैसे मान लो पहले 7 की लिख रहे हैं, तो लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 7. 7 की लिखेंगे तो उसके बराबर अपने इस तरीके से इक्वल लगा के लिख देंगे. 7 के बाद प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं कि 7 किस पोजीशन पे है, वो आप उसके बाद जितने डिजिट है उतनी गिन लोगे, उतनी जीरो लगा दोगे. 1, 2, 3, 4, तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 डिजिट जीरो लगा देंगे, 70,000. सेम इसी प्रकार आप नीचे लिखते जाओगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 के बाद 8 लिखेंगे, 8 के बाद कितने डिजिट है? 3, 1, 2, 3. सेम प्लेस वैल्यू ऑफ 3, तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी? 1 और 2. 3 के बाद कितने डिजिट है? 2. सेम प्लेस वैल्यू ऑफ 0, तो 0 की क्या आ जाएगी? 0, और उसके बाद एक डिजिट है तो 0, दो बार 0 लिख दो. प्लेस वैल्यू ऑफ 6, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 के बाद कोई 0 नहीं है तो 6. इस प्रकार अपने सारे क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से इस तरीके से लिखना है फर्स्ट पार्ट को. सेम इसका दूसरा पार्ट है, सेम इसके 6 पार्ट हैं, 1 to 6 पार्ट हैं. सारे के सारे पार्ट जैसे फर्स्ट पार्ट किया है, इसी के अकॉर्डिंग आपको करने हैं. ठीक है, ये आपको सारे के सारे पार्ट आराम से, एक पार्ट ऐसे किया सेकंड नंबर लगा के, दूसरा पार्ट आराम से अच्छे से अच्छे तरीके से कॉपी के अंदर करना है. अब अपने चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे. पहला पार्ट करवा दिया, बाकी पार्ट आप अपने आप करने हैं. सेकंड क्वेश्चन लिखा है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ कलर डिजिट. जिस डिजिट को कलर किया है उसकी लिखनी है. ठीक है, तो आपके यहाँ पे आपके बुक के अंदर आप देखोगे तो कुछ एक डिजिट को क्या किया है? कलर किया हुआ है. तो मैंने इसको क्या कर दिया? कलर ना करके मेरे पास उसको मैं लिख रहा हूँ, जैसे कि 8 डिजिट है वो कलर किया हुआ है इस तरीके से, आपके रेड कलर से किया हुआ है, मैं ब्लैक कलर से लिख रहा हूँ. ठीक है, तो इसमें से जो डिजिट अर्ल दिख रहा है कलर किया हुआ, उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है. सिर्फ उसकी लिखनी है, बाकी सभी की नहीं लिखनी, सिर्फ कलर डिजिट की. तो अपने क्या लिखेंगे? कलर डिजिट क्या है? 8, तो लिख देंगे प्लेस वैल्यू ऑफ कलर डिजिट 8. तो 8 की प्लेस वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 के बाद कितने डिजिट हैं? 1 और 2. सेम फर्स्ट पार्ट हो गया, सेम आप इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, जितने भी इसके पार्ट हैं, 6 पार्ट हैं, वो आप अपने आप में करोगे. सिर्फ इसमें कलर डिजिट की वैल्यू लिखनी है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड आप इस प्रकार आप सारा पूरा कर लोगे. क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 4. इसका फर्स्ट पार्ट लिखा है 1, 2, 3, 7, 8, 4, 5, 4.
ये आपको पहला पार्ट लिखा है। क्वेश्चन में क्या लिखा है आपको थोड़ा सा पढ़ना है, फाइंड द सम, सम निकालना, सम का मतलब आपको एडिशन करना है किसका, ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ फोर, जो फोर की प्लेस वैल्यूज हैं। अब देखो फोर एक बार नहीं दो बार है, यहाँ पे फोर यहाँ भी और यहाँ भी, इन दोनों की जो प्लेस वैल्यू आएगी उनको आप क्या करना है, ऐड करना है, सम करना है और उसकी वैल्यू बतानी कितनी आएगी। अपने क्या करेंगे, यहाँ से निकलेंगे इसका प्लेस वैल्यू ऑफ इस फोर की, इस फोर की वैल्यू क्या आ जाएगी 400। सेम अपने इस फोर की लिखेंगे अब प्लेस वैल्यू ऑफ, या इसको आप कह सकते हो फर्स्ट फोर ये सेकंड फोर, इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर अकेला ही है तो इसकी प्लेस वैल्यू फोर, इसकी फोर के बाद दो जीरो, इसकी कोई जीरो नहीं तो यहाँ पर। अब इसका आपको क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो अपने यहाँ से लाइन लगा के इसकी सम फाइंड कर सकते हैं। देखो फोर को आपको यहाँ नहीं लिखना, आप यहाँ लिख दोगे तो गलत हो जाएगा आपको। देखो हम हमेशा ऐड करते हैं, मान लो 500 में 5 जोड़ना, तो किस प्रकार लिख के जोड़ेंगे, 500 हमेशा पीछे से लिखना स्टार्ट करते हैं, कोई भी जोड़ ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ भी करना है, माइनस प्लस, तो आपको पीछे से लिखना स्टार्ट करना है, आगे जीरो लगा सकते हैं पीछे नहीं। तो इसी प्रकार अपने क्या करेंगे, फोर को यहाँ लिखेंगे कि अपने को ऐड लिखने में परेशानी ना हो, तो इसके नीचे कुछ लिखना तो ठीक है, नहीं तो क्या जाएगा, फोर में जीरो जोड़ी, फोर जीरो फोर, जीरो का जीरो और फोर, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ये हो गया उसका प्लेस वैल्यू ऑफ फोर। इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चन कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैं और कर देता हूँ इसका, जैसे इसका क्वेश्चन है फिफ्थ पार्ट में कर देता हूँ, बाकी पार्ट आप अपने आप में देख लेना। 940064 इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, तो सेम यहाँ लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट फोर, जो पहले फोर है उसकी, उसकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी, एक 1 2 3 4, तो फोर के बाद 1 2 3 4, सेम जो बाद में प्लेस वैल्यू है उसकी, यहाँ पे उसकी क्या वैल्यू आएगी, ओनली 4। तो वही पीछे से स्टार्ट करेंगे अपने, आगे आप जीरो लगानी तो लगा दो, नहीं तो 4 0 0 0 4, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। सेम इसी प्रकार से आपको जो पार्ट रह गए वो आप अपने आप करोगे। ये 1 2 और 3 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। अगर पहली बात आपके पास बुक होगी, अगर बुक नहीं है तो मैं तीनों क्वेश्चनों की आपको एक पिक भेज दूंगा, उसमें से आप देख के क्वेश्चन सारे कर लोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।